हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक बहाली भर्ती जो एग्ज़ाम आने वाले 20 के बाद होने वाला है आपका, उसमें मामला और ऐसे आप समझो, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। हुई है क्या बातें, और चेयरमैन बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल जी, इन्होंने क्या बातें कही है जिससे दो तीन चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनके पास ना पॉजिटिव वीडियो जाए और सही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जाए। ये नहीं कि कुछ भी फेक न्यूज़ या फिर किसी भी तरह से अनर्गल बातें हो। तो यहाँ से देखिए, इनका ये ट्वीट है अतुल प्रसाद जी का, इन्होंने क्या बातें कही है। होल्डिंग TRE यानी कि बिहार की जो एग्ज़ाम होने वाली है 1-5 की या 6-8 की या फिर आने वाले जो भर्ती है उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये ऑन टाइम पे ही होगा, यानी कि जो समय निर्धारित है 25-26 को उसी समय एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग, इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो दो अलग अलग बातें हैं। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, ये आपको पता है, ठीक है। बीपीएससी के चेयरमैन कौन हैं, अतुल प्रसाद हैं। इनका कहना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना अलग बात है और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अलग बात है। तो NCTE की ओर से जब तक, देखिए सबसे बड़ा पार्टी यहाँ पे NCT आता है, NCET जब तक सामने आकर ये नहीं बोल देगी कि BEd वाले एलिजिबल नहीं है, तब तक जो है मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के मामले में। अदरवाइज़ कहीं और भी अब तो BEd वाले एलिजिबल हैं ही नहीं 1-5 के लिए। लेकिन बिहार वाले मामले में देखिए, इन्होंने जो बातें कही है कि जो एजप्शन है या जो भी पूर्वानुमान लगा रहे हो या फिर किसी कोरी कल्पना में हो आप, वो समझो मेरा कोई लेना देना इससे है नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने कह दिया है कि BEd वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। रिजल्ट क्या आता है इसके बाद, NCTE क्या कहती है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। देखिए कुल मिलाकर बात है ना, BPSC को दायित्व तो सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराना है, बाकी चीज़ें बात की है, एग्ज़ाम हो ना हो, रिजल्ट आए ना आए, हाई कोर्ट में मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, जो कि जाएगा ही जाएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। लेकिन पॉजिटिव नोट पे ये रहिए कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट शायद आपका साथ दे दे। मैं इस वर्ड पे ज़्यादा आपको ध्यान में बोलूँगा, सपोज करना है आपको। तो इसलिए जिन लोगों ने तैयारी करी है अच्छे से, 2-3 महीने 4 महीने लग कर कोचिंग में पढ़ाई करी, पैसा खर्च करा है, अपना समय दिया है, सबसे बड़ी बात है पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आपने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज़ जाइए और एग्ज़ाम को, जो तैयारी आपने कर रखी है एग्ज़ाम दीजिए। और जिन्होंने कंफर्म टिकट करा लिया है प्लीज़ टिकट को कैंसिल मत करो, एग्ज़ाम सही समय पे होगा, ऐसा अतुल प्रसाद जी का कहना है। ये ऑफिशियल सोर्स है, इनका ट्विटर हैंडल पे जो बातें कही गई है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रिजल्ट पे रोक लगेगी, बहाली पे रोक लगेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है उन चीज़ों को कीजिए। और BTC वाले ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम ऐसे ही कंडक्ट करा लिया जाएगा और आप ऐसे ही नंबर ले आओगे, तो इसके लिए आपको देखिए कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। हो सकता है कि अगर BEd वाले को शामिल कर लिया जाए तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, आपको भी पता है। इसलिए तैयारी में कोई कोर कसर मत छोड़ना, ऐसा मत सोच लेना कि BEd वाले चले गए तो मैदान खाली है। हो सकता है कि अगर BEd वाले को शामिल कर लिया गया तो आपका खेल बिगड़ सकता है, इसीलिए तैयारी को हमेशा अपने बेस्ट लेवल पे करने की ज़रूरत है आपको। तो तैयारी में लगे रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखिए। YouTube पे हज़ारों वीडियोस हैं अपलोडेड हो रहे हैं जो कि आपका आपके मोराल को डाउन करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।